नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। लगातार हम यूपी के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों को लेकर बताया जा रहा है कि 2027 का सेमीफाइनल है। समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पर दोस्तों बिहार में भी उपचुनाव हो रहा है 4 विधानसभा सीटों पर, और यह 2025 के लिए सेमीफाइनल बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2025 में बिहार में आम चुनाव होना है विधानसभा का। इसके पहले 2020 में हुआ था, सरकार बनाते बनाते रह गए। इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन वाले, खास करके तेजस्विया, तो बनाते बनाते रह गए। यानी कि आप कहिए, अगर थोड़ी सी चूक ना हुई होती तो आरजेडी की सरकार बन जाती, महागठबंधन की सरकार बन जाती। तो वहीं पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, आरजेडी ने सब पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है बाई इलेक्शन के लिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, इमामगंज रौशन कुमार मांझी, यहां से जो विधायक थे अभी, जो मांझी जी बने हैं मंत्री केंद्र में, बेलागंज विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ अजीत कुमार सिंह, और यहां पर तरारी से राजू यादव। यानी कि जिस प्रकार पीडीए उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी प्रकार पीडीए बिहार में भी चल रहा है। तो चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक एक सीटों पर हम आपको समीकरण सहित बताने के काम करेंगे। हमारी कोशिश है कि यूपी और बिहार को लेकर के खास करके हम आपको बताएं। और देखिएगा, इसमें तमाम देखिएगा बीआईपी पार्टी की भी सिग्नेचर है, यहाँ पर बीआईपी पार्टी के साथ साथ आरजेडी के लोगों के सिग्नेचर है, तमाम लोगों ने इसमें सिग्नेचर किया है। तो बिहार में एक बार फिर आपको धूमधड़ाका देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 के बाद उपचुनाव जो हो रहा है, यह 2025 के सेमीफाइनल के तौर पर लोग देख रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।